हाय गाइस, वेलकम टू किंग फर्नीचर। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग एक बेड एंड वार्डरोब का कॉम्बो डिलीवरी करने आए हैं मेटिया ब्रूस कोलकाता में। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कितना बेहतरीन एंड यूनिक लुक दे रहा है इस रूम को। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे स्टाफ ये बेड को क्लीन कर रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये डिज़ाइन। एंड वार्डरोब भी आप देख सकते हैं, वार्डरोब में अभी काम चल रहा है क्योंकि हम लोग दोनों साइड का पेस्टिंग नहीं करवाएं ताकि इसमें कोई डैमेज ना हो। देख सकते हैं साइड का पेस्टिंग कर रहे हैं हमारे स्टाफ। एंड साइड का पेस्टिंग करने के बाद हम लोग फाइनल टचअप देंगे इस वार्डरोब को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, साइड का पेस्टिंग हो चुका है। अब चलिए जल्द से जल्द फ्रंट का भी पेस्टिंग कर लेते हैं एंड फिर आपको दिखाते हैं फिनिश हो जाने के बाद वो ये वार्डरोब कैसा दिखता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 6x7 डबल बॉक्स बेड इस वार्डरोब के साथ एंड बेड इस कॉम्बो में अवेलेबल है। देख सकते हैं सेम कलर कॉम्बिनेशन में दोनों बेड एंड वार्डरोब बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो जैसे कि आप ये बेड देख रहे हैं, ये सॉलिड प्लाई पे बना हुआ है, कोई MDF या घास बोर्ड नहीं है, ये टोटली सॉलिड प्लाई पे बना हुआ है। अंदर में हम लोग विश कर देते हैं ताकि बाद में कभी टर्माइट या फिर कीड़ा ना लगे इस प्लाई पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में भी हम जैसे कि आप देख सकते हैं बेड की ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग इसमें डबल हिंजेस का इस्तेमाल किए हैं ताकि ये बेड चले ज्यादा से ज्यादा दिन। सो फाइनली बॉक्स बन चुका है नीचे का। देख सकते हैं नीचे में भी हम लोग प्लाईवुड का इस्तेमाल करते हैं बॉक्स बनाने के लिए। इसमें आप आराम से अपना भारी से भारी सामान रख सकते हैं बॉक्स के अंदर में। ऊपर में जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर में हम लोग ने प्लस के साइन पे वुडन का सपोर्ट दिया है और ये जो वुड है ये महागुनी वुड है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन एंड कितना यूनिक ये बेड लग रहा है। सो चलिए जल्द से जल्द इस बेड के ऊपर का प्लाई को भी लगा लेते हैं एंड फिर आपको दिखाते हैं ये बेड बन जाने के बाद कैसा लगता है। तो जैसे कि देख सकते हैं ऊपर का एक प्लाई लग चुका है, अब चलिए जल्द से जल्द एक और प्लाई लगा लेते हैं एंड फिर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वार्डरोब में भी ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जल्द से जल्द वार्डरोब के डोर्स को लगा लेते हैं एंड फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं बेड एंड वार्डरोब का सेम कॉम्बिनेशन में कितना बढ़िया लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वार्डरोब पे हम लोग ने ड्रेसिंग का भी यूनिट दिया है। तो ड्रेसिंग यूनिट के लिए बीच में हम लोग ने वार्डरोब के बीच पे हम लोग ने डोर पे हमने मिरर का ऑप्शन दिया है। आप चाहे तो लगा सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं। ड्रेसिंग यूनिट के लिए देख सकते हैं ड्रेसिंग कम वार्डरोब बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन में। अगर आपको एक ऐसा वार्डरोब चाहिए तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। वार्डरोब के बाहर में आपको दो ड्रॉयर मिलता है जिसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं बेड भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड बेड की क्लीनिंग चल रही है। तो देख सकते हैं तो फाइनली सारा चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी आते हैं बेड के अंदर का स्टोरेज दिखाने का। तो चलिए देखते हैं कितना स्टोरेज मिल जाता है बेड के अंदर में। जैसे कि आप देख सकते हैं बेड के अंदर में आपको 15-16 इंचेस का स्टोरेज मिल जाता है जिसमें आप 200-500 केजीज का सामान रख सकते हैं इजीली। और वार्डरोब भी देख लीजिए, वार्डरोब के अंदर में एक ड्रॉयर मिलता है जिसपे आप लॉक सिस्टम पे अपना सामान रख पाते हैं। वार्डरोब के अंदर पे भी आप देख सकते हैं, वार्डरोब के अंदर में भी काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है आपको अपना कपड़े वगैरह रखने के लिए, बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है।
वार्डरोब के बाहर में आपको दो ड्रॉयर्स मिलते हैं, आराम से अपना मेकअप किट वगैरह रख सकते हैं। सो बेड के अंदर में देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ यू लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर आपको भी ऐसा बेड चाहिए तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप करें। सो अगर आपको भी अपना घर सजाना है तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। याद रखिएगा, वी टेक 15 to 20 days नॉर्मली, और ये दिन 30 days तक हो जाता है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है कस्टमर्स का, इसीलिए 30 दिन आपके पास टाइम होना चाहिए हमें ऑर्डर करने के लिए।